वहां पर तीन पार्टी की अगाड़ी है, तो तीन पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए, तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग, अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे, हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है, वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला, तो उसका हमने तीन पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है, हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में। एक ठीक है, टेक वही क्वेश्चन मैं बोलूंगा, देखो वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए, जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है, अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है, कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है, तो ये देखो दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन चार उंगली मेरे तरफ है, तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे, अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। इसका बोला जवाब दे दिए, नहीं जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है बी फॉर मैं साइन करता हूँ, ए फॉर मैं साइन करता हूँ, उस वक्त हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। थैंक यू।